रस्ते बंद है, ये हालत देख करो, रस्ते बंद है, वो भैंस की टक्कर बहुत खड़े हैं। इस्लामाबाद जिंदाबाद, रिस्क क्यों ले रहे हो? आगे ही पाए बंद है, भाइयों मरी के करीब भी यही सीन लगा हुआ है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? आज की वीडियो काफी मजे की होने वाली है, बिकॉज अभी हम खड़े हुए हैं मरी, और आज हंगामों की वजह से रास्ते भी बंद है इस्लामाबाद में, और हम किस तरह निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं वो वीडियो आप जरूर देखिए। और अनफॉर्चुनेटली जो मैं दोस्त से गोप्रो लेके आया था, ये मिनी इलेवन ये डेड हो चुका है, तो आगे के कोई मनाजिर मैं दिखा नहीं सकूँगा, लेकिन यार जो शुगर लगा ना वो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बाकी तो आप लोग मरी का सफ़र देखते ही रहते हैं। अभी यहाँ पे क्या सीन होने वाला है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा मोबाइल से रिकॉर्ड करके, तो साथ रहिएगा, इंजॉय कीजिए। जी भाई, मैं अकेला नहीं हूँ, हमजा भी है और मूसा भी है और मुबशर भी है, और ये है मरी। और अभी हम खड़े हुए हैं, बाथरूम वगैरह करने गए हैं, शायद नमाज भी पढ़ने गए हुए हैं लड़के, और टाइम देख लें भाई, ये सीन है। लो भैया, आज हम जा रहे हैं एक छोटी सी राइड पर, और अभी ना रस्ते वगैरह बंद हैं, आज फ्राइडे है, लेकिन देखेंगे आज क्या सीन है। और जैसे कि देख सकते हैं हमजा का बाइक कितना को ज़बरदस्त तैयार हुआ है, इसमें एक चीज़ नई ऐड की है वो मैं दिखाता हूँ, ये चीज़, ये फेयरिंग बनाई है थोड़ा सा स्पोर्टी लुक देने के लिए। तो ये आपने GS में मेरे ख्याल से पहली बार देखी होगी ये चीज़, और ये हैंडमेड है टोटल, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेटल का पीस नहीं है पहली बात तो ये, और ये किस चीज़ का बना ये भी मैं आपको बताऊंगा, और बाकी आपके सामने ये वही चीज़ें, सब कुछ चल रहा है बेहतरीन। हाँ ठीक है, ठीक है, और राइट बॉयज, अभी हम निकल चुके हैं, और कहाँ जा रहे हैं आज आपको दिखाएंगे। हमारा हमेशा अनप्रोफेशनल प्लान होता है और आज हम तीन ही हैं, चार हैं बल्कि, मुबशर, मूसा, हमजा, मैं। सुबह से अभी हमने हवा चेक करवा ली है, आगे थी 20, पीछे है 25, और अभी हमने आगे 35 करवा ली है, पीछे 40 करवा ली है, तो अभी हम निकलते हैं। हमजा पेट्रोल दिलवा रहा है, मुबशर वो खड़ा हुआ साइड पर। सुबह 4 हो चुके हैं, तो शायद हम मरी जाएँ, ठीक है ना, रास्ते देखते हैं, रास्ते अगर खुले हुए तो, और मेरे बाइक का मीटर ख़राब है तो इसलिए आज हमने स्पीडोमीटर भी किया हुआ। यस, एम्प्टी रोड्स, बहुत सही कह रहे हैं भैया, भले लगे हुए भाई, रस्से बांध हैं, अब क्या करें, क्या करना है, मेरी कुछ सुन ही नहीं रहा। मोए मोए, ओए बात सुनो, बात सुन लो, हेलो, ये उसी चौक पे,
अबे साले फैजाबाद की तरफ जाने वाला है। ओ भाई शराफत से पीर सुहावा चले जाते हैं, शराफत से पीर सुहावा चले जाते हैं। मैं तो नहीं लेके जाता यहाँ से, ये हालत पैक करो। हमारा निकल ही जाएगा यहाँ से, नहीं निकलेगा। अच्छा भला पीर सावा जा रहे थे, मरी जाना है, मरी जाना है। लो भाई, ओ दो बाइक तो पार हो गए, अब तीसरा अमदा का रह गया बाइक, वो लेके आ रहे हैं। रास्ते सारे बंद हैं भाई, रास्ते सारे बंद हैं, रास्ते बंद हैं। इधर इधर ना भाई, किधर जा रहे हो? हैं? इधर से रास्ता है? शक गोस दूसरी तरफ, ये रास्ता है? पक्की बात है? तो ये रास्ता कह रहे हैं। ऑफ रोडिंग मिल गई भावे तुझे छिक पट आके। आराम से, आराम से, आराम से। वो भैंस की टक्कर बहुत खड़े हैं। इस्लामाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, ये रास्ता है, वापस मुड़ो। सुभान अल्लाह, मैं कहता हूँ कि अल्लाह तूने दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है। माना कि ये धोखा है, लेकिन ये धोखा भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। रास्ता ना बंद हो,
नहीं है, पीछे बंदा आगे आ गया था, साइकिल पे आ रहा है। रामदादे रोड क्रॉस कर रहे हैं, बताते भी नहीं है ये साइकिल है। ये तो सजाने दे रहे तेरे पास भी यही साइकिल है। पहाड़िया जा करो यार, ये रोड का पनी है, ये रोड का पनी है यार। भाई पास जा सकते नहीं? अच्छा ये नहीं, मैं नहीं था ना, मैं नहीं था। बड़ी रोड बन गई यार। प्लान बना है, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? इस बार हमारा प्लान बना है कि हम ना पुराने वाले मरीज से जाएंगे और वो उस तरफ से नहीं जाएंगे, जो मोटरवे हाईवे जो बनती है उससे नहीं जाएंगे। अभी जो जिस तरह उन्होंने कहा उस तरह चलते हैं। ले भाई, कहने की देर थी, मरीज भी बंद है, पुराना मरीज भी बंद, नया मरीज भी बंद, सारी रोडें बंद। ओए बात सुनो, रिस्क ना लो यार। क्या हुआ है? रिस्क क्यों ले रहे हो? आगे खुला है, आगे ही पाए बंद है। एक मिनट में गुजर लूँ, जब कर रहे निकल लो भाई। हमने क्रॉस कर लिया ये कंटेनर, बहुत बड़े रिस्क लेते हैं हम। कैमरे को मौत पड़ गई है, सीन ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब लगता है आगे के सीन कोई रिकॉर्ड हो ही नहीं। लो भाइयों, मरी के करीब भी यही सीन लगा हुआ है और मेरा कैमरा बंद। वो मशहूर शख्सियत से मिलवाते हैं भाईजान। ये जो हम आए ना माल रोड पे, हम इस वक्त में आए को माइका लाल नहीं आ सकते। सही बात, मैंने रिकॉर्डिंग इसमें दिखाई है, तो आप रिकॉर्डिंग पहले देखिए फिर आगे का सीन दिखाते हैं आपको। आगे का कि सीन, आज हम माल रोड के अंदर जाएंगे, आज जहाँ पे चलना मुश्किल होता था आज हम बाइक लेके जाएंगे और तुम्हें मैं दिखा। चलो जी, बशर भी आया जी, हमदा भी है। चलो जी देखें जी, हम माल रोड के ऊपर हैं और यहाँ पे हॉर्स राइडिंग, उसके बाद ये नीचे अगर आप देख सकते हैं तो ये वो एक्सप्रेस हाईवे है मेरे ख्याल से, माइट भी मुझे लग रहा है।
और इस वक्त ना धुंध भी पड़ी हुई है और ठंड मैं 100% कह सकता हूँ कि ये 5 या 4 या 6 का टेम्परेचर होगा। और ये टाइम है जी, हम 4:30 बजे निकले थे और बाकी यहाँ पे हम 5:45 बजे पहुँचे हैं एग्जैक्ट। अभी माल रोड पहुँच चुके हैं। मूसा कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है, मूसा कह रहा है कि 300 रुपये वाली कोई जैकेट ढूंढनी है, ठंड बहुत। जैकेट 500 वाला कमरा और 100 रुपये की कढ़ाई और 500 रुपये की हुडी। ये भाईजान, ये तू कौन से दौर में बैठा हुआ है। अच्छा छोड़ें इस बात को, आपको हम दिखाते हैं GPO और यहाँ का जो फेमस, ये देखें जी बहुत ही प्यारी लोकेशन है ये। लोकेशन प्यारी नहीं है। चेक करें जी, चेक करें, रश चेक करें, फिर भी लोग आए हुए हैं, हम समझे थे हम ही होंगे। क्या हुआ, टिकट लेनी है? हमजा 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 नडूरे इंडियर। यार मैं बहुत थक गया हूँ, ये रेडी ना ले लें। यहाँ पे हम मेरे भाई लोग वो इंडियोर चले गए और मैं ये जूते देखने आ गए थे, मैंने इसके साथ ही पहने हुए हैं, काफ़ी कंफर्टेबल हैं बाइक के लिए भी और नॉर्मल ड्राइव के लिए भी। और ये स्केचर देख सकते हैं, स्केचर की कॉपी कितने की दे रहे हैं, 6,500 ये ठीक है, सही होगा, फिट है यार। चलो इंडियोर चलते हैं। हाँ भाई कुछ नज़र आया, इधर आ इधर आ, तेरी दुकान पे पहुंचो ना, तू तेरे तेवर ही बदल जाते हैं। ये स्केचर्स हैं, तेवर ना भी बदले अगर तो रेट बदल जाता है, वही कहना क्वालिटी मियार बदल जाता है, मियार बदल जाता है। ये मैंने खरीदा है ना सेल में, मैंने सेल में पता कितने खरीदा है, 2800 का। ये जब सेल लगती है ना 1500 का, नहीं इतने नहीं, लुट मची। ओहो स्नो फॉलिंग होना शुरू हो गई, स्नो फॉलिंग हो रही है, ये देख गरीबों की स्नो फॉलिंग हो रही है। यहाँ की दस रहे हैं यार, खत्म ही नहीं हो रहे, वही कह रहा हूँ, ये बुलबुले यहाँ कहाँ से रहे हैं, किसी ने मशीन लगाई होगी। मेरा फेवरेट होटल है जी, जब भी हम मरी आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अलमायदा क्या और नहीं, कमरा नहीं चाहिए यार, कमरा नहीं चाहिए मेरी जान। अच्छा बात सुनो, बात सुनो, ये 4,000 को किसने मारी, 2,000 लगा, 2,200 से जो मुझे पता है 2,200 लगा। अच्छा मेरी बात सुनो ना, एक तो चप्पल कबाब मंगवाओ, नहीं वो छोड़ो, बस एक ही आइटम करते हैं यार। शाजी ये देखो ना, चप्पल कबाब फ्रेंड ये कर लो, चप्पल कबाब कर लो मजाक के अलावा, ठीक है। और दाल माश हूं, हमारा एक कजन नहीं आया, ये ले तू पत्तियां खा मेरे की, उसको तो पा रहा है मूसा यार। अच्छा हमने ऑर्डर दे दिया, ओए मूसा ऑर्डर दे दिया हमने, हाँ दे दिया, चिकन कढ़ाई है और चप्पल कबाब है, काफ़ी है ना। GoPro पे अपग्रेड कर रहे हो तो काइंडली ये जो GoPro मिनी के नाम से लॉन्च होता है ये कभी भी ना ख़रीदना, ये 12 के बाद बंद हो गया था, इसके पास की चार्जिंग ही ख़त्म हो गई थी, मतलब बहुत थोड़ा चला, ये 30 मिनट चला टोटल, तो ये वाला नॉट रिकमेंडेड। इनकी हालत देखो जरा, गास पे आ गए। और इनकी किचन की सफाई चेक करें और हमारी कढ़ाई रेडी हुई है कि नहीं चेक कराओ जी, क्या बात है, मखनी कढ़ाई तैयार हो, वाह जी लाजवाब कढ़ाई है यार। आज ये तो करा दो यार, रिफिल तो करा दो यार, नहीं आज तो बंद, नहीं एक आइटम ही कम है वो डलवा, खीरे डलवा दे, वॉइस काश ये प्रमोशन होती, फ्री का खाना होता, लेकिन टेस्ट काफ़ी अच्छा है और ये कबाब भी बहुत मज़े का, खुश है। चलो जी वॉइस, हमने डिनर कर लिया और माशाल्लाह काफ़ी मज़े का डिनर था। मूसा यही क्या हरकत है, शर्म आया होनी चाहिए तेरे, मज़ा आया कढ़ाई खाने का, तो गरीब तुझे घर में भी इस तरह का खाना ना मिले। ओ तुझे वो ऊपर देखने गया, अच्छा हुड, हुड कितने का मिल रहा है, 1500 1800 1500 ली भाई, बोरी मिलेगी उसके अंदर बाजू निकाल लेना। ओके बॉयज अभी हम निकलते हैं और वापसी की वीडियो नहीं बन सकती बिकॉज हमारा कैमरा डाउन हो गया,
तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा, और हमें दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज। वीडियो सबने लगानी टिकटॉक पे, सबने एडिट करके देनी है, एक ही जगह पे है सबकी वीडियो, मतलब ये के सारे अपने अपने ग्रुप में जाके लगा रहे हैं। मारू ना तक चल, यहाँ से निकल, चल 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 चल। आराम से वो देख, मैं रिच को देख कैसे चढ़ा है।